हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मात्र 2 से 3 चीज़ों से बनने वाला एकदम नया और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी नाश्ता। इस नाश्ते को आप एक बार बनाएंगे तो समोसे कचौड़ी पकौड़ी खाना भूल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के फटाफट से इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो घंटी आती है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पर जब भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको मिल सके और आप फटाफट से वीडियो को वॉच कर सके। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के फटाफट इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल ले लेंगे और उस पर हम एक छन्ना रख देंगे। इस छन्ने में हम डालेंगे आधा कप जितना बेसन। तो बेसन आपको आधा कप लेना है। तो इस छन्ने में हम बेसन को डालेंगे और इसे हम अच्छे से छान लेंगे। इससे हमारे बेसन के अंदर जो भी गंदगी या फिर गांठ वगैरह होगी वो निकल आएगी और हमारा जो बेसन है वो अच्छे से स्मूथ निकल आएगा। तो देखिए, इस तरह से आपको इसे अच्छे से छान लेना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप जितना चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह पर सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने चावल के आटे को भी हम अच्छे से छान लेंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपको चावल का आटा 1 कप लेना है और बेसन आपको आधा कप लेना है। तो इन दोनों ही चीज़ों को हम अच्छे से आपस में मिक्स कर देंगे और इसमें हम धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे और इसका हम एक गाढ़ा सा बैटर तैयार करेंगे। तो अब इस बैटर में हम धीरे धीरे करके पानी डालेंगे ताकि हमारा जो बैटर है वो अच्छे से स्मूथ बने और इसमें कोई भी लम्स ना हो। और इतने बैटर को बनाने में हमें तकरीबन 2 कप जितना पानी लगेगा। तो देखिए, इस तरह से हमने बैटर को अच्छे से पेट लिया और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, बहुत ज़्यादा रनी नहीं है। तो कुछ इसी तरह का बैटर आपको तैयार करना है। तो बैटर को हम साइड में रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए, तब तक कि अपनी हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड, अब हम लेंगे आलू। तो यहाँ पर हम 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लेंगे और अपने आलू को हम इस तरह के महीन वाले कद्दूकस से क्रश कर देंगे ताकि आलू के अंदर बिल्कुल भी लम्स ना रहे। तो अपने सारे आलू को हम इसी तरह से अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। तो आलू को हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, तो इसे अब हम साइड में रख देंगे और अब चलते हैं अपनी स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड, स्टफिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में डालेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब तेल। और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जितना साबुत जीरा। जीरे को हम अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जितनी हींग। हींग हमारे डाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, तो इसे ज़रूर डालिएगा, इससे हमारे नाश्ते में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी प्याज। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने स्पाइस के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो अब इन सभी चीज़ों को हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारी जो प्याज है उसका कच्चापन दूर हो जाए और ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो प्याज और मिर्ची को भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने उबले हुए आलू और आलूओं को हम अच्छे से भून देंगे 1 से 2 मिनट के लिए और अपने स्पाइस के अकॉर्डिंग इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हल्दी, अमचूर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड किया था। इसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी धनिया पत्ती डालकर इसे अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर हमारी चटपटी से स्टफिंग रेडी हो चुकी है, तो इसे अब हम साइड में रख लेंगे और अपनी स्टफिंग को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तब तक कि अपनी हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो फ्रेंड, अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब तेल। तो जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जितना महीन वाली राई। तो ये जो राई होती है वो बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती है और इसका जो टेस्ट होता है वो खाने में बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जितना साबुत जीरा और इन दोनों ही चीज़ों को हम अच्छे से चटकने देंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ी से कलर के लिए डालेंगे हल्दी। तो 1/4 चम्मच जितनी हम इसमें हल्दी डालेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप जितना पानी। तो हल्दी को हम अच्छे से भून लेंगे, तो बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है हल्दी को। तो इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे और इसे हम अच्छे से बॉयल होने देंगे। तो अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से बॉयल आने तक पकाएंगे और इसमें हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक आपको बहुत ही ध्यान से डालना है क्योंकि हमारी स्टफिंग में भी नमक है। तो यहाँ पर नमक डालने के बाद हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे। हींग का जो टेस्ट होता है और उसकी जो खुशबू होती है वो नाश्ते में बहुत ही अच्छी आती है। तो इस तरह से हम पानी को अच्छे से उबलने देंगे। जैसे ही हमारा पानी अच्छे से उबल जाएगा हम अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर अपने तैयार किए हुए बैटर को हम इसमें ऐड करेंगे। तो बैटर को आपको एक साथ पूरा डाल देना है और गैस की फ्लेम आपको मीडियम ही रखनी है क्योंकि मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे पकाएंगे, वरना अगर आप बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे तो इसमें बहुत सारे लम्स पड़ जाएंगे। तो देखिए, अब इस तरह से आपको धीरे धीरे इस बैटर को अच्छे से मिक्स करते हुए पकाना है। जब आपको लगे कि आपका जो बैटर है वो धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है और अच्छे से स्मूथली हो रहा है, तब आप अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं और मीडियम फ्लेम पर आपको इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। जैसे ये बैटर पकता जाएगा आप देखिएगा ये थोड़े से थिक होने लगेगा और ये धीरे धीरे एक डो के फॉर्म में आने लगेगा। तो जैसे ही हमारा जो बैटर है वो बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएगा यानी कि एक डो की फॉर्म में आ जाएगा, तो ये कढ़ाई की सतह को छोड़ने लगेगा। तो इसका जो मतलब है कि हमारा जो डो है वो काफ़ी अच्छे से पक गया है। तो इसे हम हाथ से टच करके देखेंगे, जब ये हमारे हाथों में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और कढ़ाई में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, तब अपनी गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड, तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो डो है वो काफ़ी अच्छे से ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा थिक हो जाता है आप देख सकते हैं और ये हाथों पर बिल्कुल भी चिपकता नहीं है।
तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज को अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। ये सब्जियाँ आपको पसंद हो और आपके घर में इजीली अवेलेबल हो वो आप सब्जियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें डालेंगे आधा बारीक कटा हुआ टमाटर और इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई फ्रेश हरी धनिया। और अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी सब्जियों में पानी होता है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो डो है वो थिक हो जाता है थोड़ा सा ठंडा होने के बाद। तो अब इन सारी सब्जियों को डो में हम अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा तेल ले लेंगे हाथों में लगा लेंगे और इस तरह से अपने डो को हम थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर लेंगे ताकि ये हमारे हाथों में बिल्कुल भी चिपके नहीं। तो देखिए डो हमारा रेडी हो चुका है, तो अब फटाफट से हम इससे अपना नाश्ता तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमने जो अपनी स्टफिंग तैयार की थी उसे हम ले लेंगे। और यहाँ पर हमारी जो स्टफिंग है वो भी काफ़ी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो दोनों ही चीज़ें जब अच्छे से ठंडी हो जाए तभी आपको अपने नाश्ते को बनाना स्टार्ट करना है। तो अब अपने थोड़े से डो के अमाउंट को हम हाथों में ले लेंगे और इसे हम इस तरह से हल्का सा चपटा कर लेंगे। हाथों में आप चाहें तो हल्का सा ऑयल अप्लाई करेंगे ताकि आपके हाथों में बिल्कुल भी डो चिपके नहीं। इस तरह से अब हमने जो अपनी स्टफिंग तैयार की थी उसे हम इस तरह से लंबाई में इसमें रखेंगे और इसे हम हल्के हाथों से अच्छे से कवर कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसे आपको बहुत ही अच्छे से कवर करना है, कहीं से भी ये बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो हाथों से आपको इसे अच्छे से स्मूथ कर लेना है और इस तरह से आपको इसका ओवल शेप दे देना है। तो देखिए इस तरह से आपको इसे लंबाई में ओवल शेप दे देना है। तो देखिए कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है हमारा ये नाश्ता। तो इसी तरह से अपने सारे नाश्ते को तैयार करेंगे तो बहुत ही जल्दी ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है और इसके अंदर जो फीलिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा चटपटी और टेस्टी होती है। तो इस नाश्ते में आपको पकौड़े और समोसे दोनों का टेस्ट आएगा, बहुत ही ज़्यादा चटपटा ये नाश्ता बनता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट से अपने सारे नाश्ते को हम इसी तरह से शेप दे देंगे। तो फ्रेंड, आपने अपने सारे नाश्ते को अच्छे से शेप दे दिया है, अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे फ्रीजर में सेट करके 1 से 2 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपके मेहमान आए तब आप इन्हें फटाफट फ्राई करके उन्हें दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब इन्हें हम फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमने पैन में थोड़ा सा तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तो जैसे ही हमारा जो तेल है वो हाई फ्लेम पर गरम हो जाएगा तब हम एक एक करके अपने नाश्ते को इसमें ऐड करेंगे। तो तेल आपको अच्छे से हाई फ्लेम पर गरम कर लेना है और बिल्कुल भी घबराना नहीं है क्योंकि हमने इसके अंदर बेसन का यूज़ किया है और बेसन हमारा बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होता है। तो इस तरह से आप इसे बेफिक्र होकर फ्राई कर सकते हैं। तो जब तक ये एक साइड से अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाता तब तक ये आपको इसे फ्राई करना है। और एक साथ हम सारे नाश्ते को अच्छे से फ्राई करेंगे एक ही बैच में। और जैसे ही हमारा जो नाश्ता है वो एक साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा तब इसे हम पलट देंगे और पलट करके हम इसे दूसरी साइड भी अच्छे से क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। तो देखिए कितना प्यारा सा कलर आ चुका है हमारे नाश्ते में और ये दोनों साइड से काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। तो जब आपको लगे कि ये काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो गया है और इसका जो कलर है वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है तब आप इसे तेल से बाहर निकाल लें और इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें। तो फ्रेंड्स, बनकर तैयार हो चुका है हमारा ये बहुत ही ज़्यादा चटपटा और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल नाश्ता। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और इसके अंदर जो फीलिंग है वो भी बहुत ही चटपटी होती है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में से शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नई मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।